दूर लेती हूँ मैं स्क्रीन। दिखी हाँ दिखी भैया, हाँ हाँ भैया, यस भैया, यस ओके। सो हम चलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की तरफ। ओके, सो वील बी डीलिंग विथ आर्टिकल 32 व्हिच इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट डीपीएसपीज एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज इन दिस पर्टिकुलर क्लास। सो प्लीज स्टे टिल द एंड। आई हैव टर्न ऑन द अटेंडेंस। मुझे कोई बीच में जाता हुआ देखा, मैं आज क्लास के बाद सीधे बात करने वाला हूँ कि आप ये मुंह दिखाई करने क्यों आते हैं 5-10 मिनट के सामने में। ओके, अनटिल अनलेस यू हैव अ वेरी इमरजेंसी वाला रीजन। ओके, सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाज डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल बेसिकली, अगर यही आर्टिकल नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में तो देर इज नो सेंस ऑफ ग्रांटिंग फंडामेंटल राइट्स और एनफोर्सिंग एनी ऑफ देम। ओके, कोई सेंस नहीं बनती किसी बात की। तुम बोल दो मुझे राइट टू लाइफ है, मुझे ये है, मुझे वो है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन अगर मेरा वो राइट हैम्पर होता है तो मेरे को कुछ है ही नहीं, तुमने दिया ही नहीं, मैं उसको कैसे एक्सरसाइज करूं? ठीक है, तुमने राइट तो दे दी लेकिन हाथ बांध के दी तो क्या मतलब? ठीक है, इसीलिए ये आर्टिकल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 32 की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, इट टॉक्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी तुमको एक ट्रिक बताई थी, इसको याद कैसे रखना है। 226 टॉक्स अबाउट हाई कोर्ट, छोटा आर्टिकल बड़ा कोर्ट, बड़ा आर्टिकल छोटा कोर्ट। ठीक है, याद रहेगा 226 एंड 32। ठीक, हाँ भैया, हाँ यस भैया, भैया। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द रिट्स, रिट्स क्या होती है? आप पूरा प्रोसीजर समझो। अगर तुम्हारी फंडामेंटल राइट को कोई ब्रीच करता है, कुछ हैम्पर होता है, कुछ होता है, ठीक है, अगर आपकी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, पहली बात तो हमको ये पता है कि रिट्स किस लिए होती है, फॉर द सेफगार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये सबको पता है। ओके, नाउ व्हेन एवर एनी इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट इज हैम्पर्ड और गेट्स चैलेंज्ड समवेयर, इसमें क्या होता है, एनी इंडिविजुअल विद द यूज ऑफ आर्टिकल 32 कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड से कि यार मेरे साथ ये गलत हुआ है, मेरी फंडामेंटल राइट हैम्पर्ड। ठीक है, मेरे साथ कुछ गलत होता है, मेरी फंडामेंटल राइट कहीं तो मुझे वॉयलेट होती दिखती है, आई कैन डायरेक्टली गो सरपासिंग एवरी कोर्ट इन द कंट्री, आई कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर वो कोर्ट क्या करता है, अगर उसको मेरा केस वैलिड लगता है, दे इशू मी 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। 5 तरीके की रिट्स होती है, वो डिपेंड करता है मेरा कौन सा केस है, उसमें कौन सी लग रही है। पांचों में से ऐसा नहीं कि अकड़ अकड़ हरी वाली लग रही है, ऐसा नहीं। आपका कोई पर्टिकुलर केस है, उसमें एक पर्टिकुलर तरीके की ही रिट लगेगी। बहुत रेयर केसेस में होता है 2-3 लगती है साथ, एक ही लगती है हर बार में। ठीक है, एक बार में एक ही लगती है। सेम पावर्स आर ग्रांटेड टू द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स वाया दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है, ये हम पहले रिट्स पढ़ लेते हैं उसके बाद पढ़ते हैं। ओके, अब ये 5 तरीके की रिट्स क्या क्या है, ये सारा अब अपन धीरे धीरे करके समझते हैं। फर्स्ट रिट इज हेबियस कॉर्पस। बेसिकली अगर किसी को इलीगली डिटेन करके रखा हुआ है कहीं पर, तो उसके अगेंस्ट कोर्ट ऑर्डर करता है कि यू मे हैव द बॉडी, ले जाओ उसको, इलीगली करा था ले जाओ। दिस इज अ बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। मुझे कोई इलीगली अगर कैद कर रहा है तो इज दैट हैम्परिंग माय आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? यस भैया, मुझे कोई भी उठा के कहीं भी बंद कर देगा यार, ऐसे तो ना पॉसिबिलिटी तो है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर वो इलीगल निकलता है, ठीक है, तो और उसके ना उसने मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स में उसको पेश करा ना कुछ करा, अब उसके घर वाले क्या बोल रहे हैं, कोई भी रिलेटिव, एनी वन कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली एंड से कि यार इसको इलीगली डिटेन करके रखा है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई वारंट नहीं है, मजिस्ट्रेट के पास भी नहीं लेके जा रहे हैं, नाउ द कोर्ट कैन इश्यू हेबियस कॉर्पस, दैट इज ले जाओ इसको यहाँ से, कोई जरूरत नहीं यहाँ पर रखने की, अगर इलीगली डिटेन है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। एक बहुत फेमस केस था रुदल शाह करके कोई केस का नाम है, उसमें क्या हुआ था कि आपका क्राइम जो था वो उसकी सजा पूरी हो चुकी थी, उसके बावजूद 14 इयर्स तक उसको इलीगली डिटेन करके रखा, जब फाइनली उसके घर वालों ने बोला कि यार इलीगल है ये, इसको छोड़ो, तो तब उसमें हेबियस कॉर्पस आया था। दिस अगेन वॉज कॉल्ड आउट इन अ केस ऑफ
हैबियस कॉर्पस केस कौन सा था, लास्ट हमने क्लास में पढ़ा था, कौन था? एडीएम जबलपुर, एडीएम जबलपुर वाला। एडीएम जबलपुर वाला केस हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस अगेन, अब वो वाले केस में भी हमने पढ़ा था कि इलीगली डिटेन कर दिया था इमरजेंसी के टाइम पे लोगों को, बिना किसी चीज के, बिना किसी वारंट के, बिना किसी सबूत के, हमने सुना था इमरजेंसी के टाइम वो केस, अगर तुमने लिंक से पढ़ा हो तो, फैक्ट्स उस क्लास में डिस्कस करे थे। दैट्स व्हाई दैट हैबियस कॉर्पस केस, ठीक। अब आप इनको किस किस सिचुएशन में नहीं लगा सकते हो, आप इनको इन चारों सिचुएशन में नहीं लगा सकते। अगर आपका डिटेंशन लॉफुल है, मैंने तो पहले ही बोला था इलीगल डिटेंशन के केस में लगता है, लॉफुल है तो कहा है यार, कौन सा वो लीगली उसको रखा हुआ, दैट इज इधर प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन। नाउ अगर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट करा है किसी ने एंड आपने उसको वहां से उठा के ले गए हो, तो उस पर तो चार्ज लगा हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का, इसलिए आप उसको नहीं यूज कर सकते इस रिट को। अगर डिटेंशन आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट है, ठीक, मतलब आप, अगर मैं इसमें स्पेसिफिकली थर्ड पॉइंट पे 226 की बात करूं, अगर आप एमपी के हाई कोर्ट में गए कि मेरे भाई को डिटेन कर दिया गुजरात के अहमदाबाद में, तो मेरे पास क्यों आ रहे हो, अहमदाबाद जाओ, मेरे पास, मैं क्या करूं उससे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं लगती, ठीक। नाउ पॉइंट नंबर फोर इज अगेन, अगर ये डिटेंशन किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने करा है, एमपी में ही अगर तुम्हारा भाई था, एमपी के ही कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि इसका डिटेंशन करना है, तो तुम ये थोड़ी लगाओगे उस कोर्ट के सामने, उसी का बोलोगे कि तुमने गलत करा है, अगर वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ऑर्डर करा है, ठीक है। इन चार केसेस में दिस पर्टिकुलर रिट इज नॉट एप्लीकेबल। डू वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस? डिटेंशन इज लॉफुल एंड डिटेंशन इज बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर? तो डिटेंशन कैन बी बाय पुलिस ऑफिसर, जब कोर्ट का ऑर्डर होगा तभी तो पुलिस अरेस्ट करेगी कि ऐसे भी कर सकती है? बिना वारंट के तो बिना कोर्ट के ऑर्डर के जाते हैं ना, तो वो तो इली हर बार थोड़ी डिटेंशन कोर्ट के ऑर्डर के साथ ही होता है, हाँ लास्ट तो बार। वो इलीगल भी तो फिर वो कहा जाएगा अगर ऐसे ही आपने उठा लिया आकर के तो। ऐसे ही आपने उठा दिया, आपने 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको भेज दिया और वहां पे वो प्रूव हो गया, ठीक है, वहां पे वो लॉफुल डिक्लेयर हो गया 24 घंटे के अंदर कि हाँ ठीक है सही उठाया था, ठीक है, दिस इज द तो केस वो ऑफ लॉफुल डिक्लेयर। प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ फिर वो। हाँ वो प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ और वो पुलिस उठा के लेके गई थी। अब अगर ये डिटेंशन कोर्ट ने ही ऑर्डर कराया कि उसको उठा के लेके आओ, क्योंकि ये सारे सबूत हैं, और दिस इज डन बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, सबको समझ में आ गया? नंबर वन फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रिट, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट वाले में क्या बोला भैया, नहीं सुन पाया। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का मतलब ये एक ऑफेंस होता है, ठीक है, कोर्ट ने कुछ बोला, तुमको समन बुलाया, तुम आए नहीं, या फिर तुमने कोर्ट में किसी का अपमान करके गायब हो गया, तुम कुछ भी करके गए, एनी काइंड ऑफ इंसल्ट टू द कोर्ट एंड इट्स ऑर्डर्स इज कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नाउ रिगार्डिंग दिस द कोर्ट कैन अगेन ऑर्डर यू एनी काइंड ऑफ इवैक्यूएशन और इविक्शन फ्रॉम योर पर्सनल प्रॉपर्टी टू द कोर्ट, वो तुमको उठा के लेके आ सकते हैं पुलिस ऑर्डर में, ठीक ओके है। भैया, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का अगर चार्ज लगा है तो भी तुम इसको नहीं चैलेंज कर सकते, ठीक। अब चलते ओके हैं भैया, सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट इज मैंडम्स, ये जो साइड में मीनिंग लिखे हुए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये तुमको याद रखना है। हेबियस कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब क्या होता है? कॉर्प, कॉप्स, तुमने सुना है क्या होता है कॉर्प? पुलिस कॉप्स, पुलिस अरे पुलिस नहीं, कॉप्स, वो वाले कॉप नहीं, कॉप्स, डेड बॉडी, बॉडी 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 आज बॉडी बॉडी बॉडी, ठीक है। तो लास्ट। यहां से वो रूट आया कॉर्पस, हेबियस मतलब हैव, एच ए, कॉर्पस का CORP मीन्स बॉडी, यहां से याद रहेगा, जी भैया, हाँ भैया, याद हो जाएगा। बोलते यस जाओ भैया, लोग, तुम चुप बैठे रहोगे तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है। नाउ दिस इज द रेट ऑफ मैंडमस। मैंडमस में बेसिकली MAND से या तुम कर सकते हो कमांड, ये दोनों चीजें कॉमन निकल रही हैं, मैंडमस इज वी कमांड। नाउ दिस इज डन बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ जब कोई ऑफिसर पब्लिक ड्यूटी नहीं कर रहा है ढंग से। तुमने बोला कि मेरा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई भी टैक्स है वो इतना हो रहा है, तुमने गलत दिखाया है, तुम फिर ड्यूटी नहीं कर रहे हो काम से, तुम्हें मेरी फाइल पास करवानी है, लेकिन तुम अपनी, तुम अगले लंच के बाद आना, इसके बाद आना, उसके बाद, तुम अपना काम ही नहीं कर रहे हो,
दिस इज वेरी यूजफुल इन दोज केसेस जब ये कोई भी पब्लिक ऑफिसर मतलब एनी पब्लिक ऑफिसर, कहीं भी कोई भी सरकारी ऑफिस में जब तुम्हारा काम नहीं हो रहा, यू कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट उसको उसकी पब्लिक ड्यूटी करवाने के लिए। ठीक है, ये तो काफी इजी समझ में आ गई होगी। कोर्ट कमांड करता है तुमको कि तुम ये काम करो, क्यों नहीं कर रहे हो अपनी ड्यूटी। ठीक है, ये होता है। दिस इज यूज टू कमांड अ पब्लिक ऑफिसर टू डू हिज और हर ड्यूटी एंड दिस इज डन बाय अ कोर्ट पब्लिक ऑफिसर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकम्स कि देर मस्ट बी अ पब्लिक ड्यूटी इन्वॉल्व। जो उसका काम ही नहीं है वो थोड़ी दबा हो गया उससे, सर ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये है मेयर हमारा, इसने मेरे घर के सामने से कचरा नहीं उठाया, वो थोड़ी उठाएगा, वो ऑर्डर करेगा, कोई उसकी दूसरी ड्यूटी है। जो ड्यूटी करने वाला है उसको उसकी बात करो ना, वो थोड़ी आके तुम्हारा लाओ भैया गीला कचरा सूखा कचरा अलग करके दो, ऐसा थोड़ी होता। ठीक है, उसकी वो वाली ड्यूटी इन्वॉल्व होनी चाहिए, उसको उसी के काम के लिए तुम कोर्ट में लेके जा सकते हो। ये नहीं कि इसने मेरी गाड़ी साफ नहीं करी है, वो थोड़ी करेगा कुछ भी। ठीक है, दिस इज द सेकेंड रिट ऑफ मैंडमस, समझ जाएगी सबको। यही यस है। हाँ भैया, भैया, हाँ भैया, ठीक। अब हम चलते हैं रिट नंबर 3 पे, विच इज सर्श्योरी। सर्श्योरी का मतलब है टू सर्टिफाई, CERT CERT, याद रहेगा, अगेन समथिंग इज कॉमन। ठीक है, मीनिंग्स इन सबके इनके स्पेलिंग में से निकल आएंगे। ठीक है, नाउ इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन कमांड टू एनी ऑफ द लोअर कोर्ट्स टू डू समथिंग, दैट इज कि अगर उनको उनका कोई भी जजमेंट मिलता है ऐसा कि वो इलीगल है, तो वो उससे उसके डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं, उसकी जांच का कुछ भी, एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, एनी काइंड ऑफ एक्शन वो उसके थ्रू करवा सकते हैं। नाउ तुमको एक चीज याद रखनी है, ये क्या होता है, क्यूरेटिव इन नेचर। क्यूरेटिव का मतलब, कि वो डिसीजन आ चुका है, अब इसके बाद उसको क्योर हो रहा है। क्यूरेटिव मतलब क्योर कर रहे हैं। सर्श्योरी एंड प्रोहिबिशन, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन भी शायद इसके बाद है, हाँ प्रोहिबिशन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोहिबिशन। उसमें क्या होता है, तुम डिसीजन आने से पहले उसको लगाते हो एंड सर्श्योरी को डिसीजन आने के बाद लगाते हो। मतलब इसमें तुम क्योर कर रहे हो, वहां पे तुम प्रिवेंशन कर रहे हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर फैक्ट बचपन से, प्राइमरी से। ठीक है, प्रोहिबिशन तब लगती है जब डिसीजन आने वाला है, आया नहीं, जब आ चुका है ऑलरेडी, उस पे उसका क्योर करना है, उसको ठीक करना है, और कोर्ट में किसी ने ये वो लगाई है पिटीशन कि ये गलत डिसीजन है या इसके डॉक्यूमेंट सही से नहीं हुए हैं या फिर जो भी हुआ है, तब उसको क्योर करने के लिए लगाई जाती है सर्श्योरी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कैन कमांड एनी लोअर कोर्ट टू डू समथिंग। ठीक है, अगर ये जजमेंट इलीगल फाउंड होता है देन दे हैव द पावर टू कॉश दैट जजमेंट। कॉश का मतलब राइट ऑफ कर देना, फिनिश कर देना। बंद कर देना, खत्म कर देना, ठीक है, कॉश मतलब बाहर में जाओ। इसका मतलब भैया एग्जांपल बेल का हो सकता है कि हमने बेल लगाई है आफ्टर द डिसीजन। बेल लगाई है हम तो एग्जांपल हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये? बता रहा हूँ, मैं पहले समझ लो टॉपिक पर एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें अगर वो कोर्ट बोलता है कि नहीं देंगे डॉक्यूमेंट, हम तुम्हारी सुन ही नहीं रहे, तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन है, या तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोलेंगे कि केस हमको ट्रांसफर कर दो, तुम्हारे बस की नहीं है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है, हम कर लेंगे, तो जो भी जैसा भी सब दे दे हमको, तेरे को डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, तू मना कर रहा है ज्यादा वक्त, तो केस दे दे हमको कोर्ट, हम देख लेंगे। ठीक है, या तो ये हाई कोर्ट बोलेगा या तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा। अगर हाई कोर्ट मना करता है तो ये कौन बोल रहा है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मना करता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कौन बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी बोल सकता है, हाई कोर्ट भी बोल सकता है। ठीक है, अगर केस ट्रांसफर करने से भी मना कर दिया तो ये अपने दम पे इतने पावरफुल हैं दोनों कोर्ट्स के, ये सीधे बोल देंगे कि इसकी वैलिडिटी खत्म, जो भी बोलेगा इसकी खत्म। ठीक है, दो तुम्हारे पास सोल्यूशन है, या तो ये नहीं होता तो ये। ठीक, नाउ वी कम टू द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या होता है, प्रोहिबिशन में अगेन हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट ये इशू होती है, दिस इज टू प्रोहिबिट द कोर्ट टू एक्सटेंड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन मतलब प्रिवेंट कर रहे हो तुम यहाँ पर कि वो अपनी औकात से बाहर जाके कुछ डिसाइड ना कर ले, ठीक है, कुछ गलत ना कर ले, उसका ज्यूरिसडिक्शन वो अप्लाई करे, कुछ बात करे, कुछ सोचे समझे, केस का डिसीजन दे, इसके पहले मैं इसको प्रिवेंट कर देता हूँ। ठीक है,
दिस इज बेसिकली प्रिवेंटिव इन नेचर, जैसे कि हमको इसके मीनिंग से पता लग रहा है, इट इज फॉरवर्डिंग समथिंग, भैया रुक जा रुक जा रुक जा, गलत गलत निकाल रहा है, टू जजमेंट, हमको देख लेने दे, ठीक है। यहाँ पे लग रही है प्रोहिबिशन। अब इसमें क्या हो रहा था, इसमें हो रहा है प्रिवेंशन, ऊपर जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है सर्च में, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, आए हुए जजमेंट को ठीक कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक डिफरेंस और है कि ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज में भी लग जाता है। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज क्या होती है, अपना कंपनी ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, और अपने कॉपीराइट ऑफिसेस, ठीक है। जो क्वासी जुडिशियल मतलब वो एक प्रॉपर जुडिशियरी का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्वासी जुडिशियल पार्ट है, ट्राइब्यूनल्स बेसिकली, ऑल काइंड ऑफ ट्राइब्यूनल्स, इन सब में ये लग जाता है। तो अगर हमको ऐसा लग रहा है कि कंपनी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल कुछ गलत निकालने वाली है, तुम जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास, उसका ऑर्डर रुकवा दो, भैया रुक जाओ गलत है, हमको रिव्यू कर लेने दो, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो एक इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के पास कितना बड़ा लोड है, कितने केसेस आ रहे हैं उसके पास पूरे देश भर में से, हर कोई की मेरी ये राइट वायलेट हो गई, मेरा ये हो गया, फिर ये वाले कोर्ट ने करा तो इस वाले कोर्ट ने करा तो मणिपुर ने करा तो मध्य प्रदेश ने करा तो केरला ने करा तो जम्मू कश्मीर ने करा, पूरे देश का सारा लोड एक सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। ये वो दो हो गए। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। अब मेरे पास मैं तुमको सर्चरी एंड प्रोहिबिशन दोनों एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। नाउ मेरी हो गई थी गाड़ी खराब, ठीक है, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से कुछ क्लेम मांगा, ठीक है। अब कोर्ट ने एक रूलिंग दे दी कि इंश्योरेंस एक्ट के थ्रू ये तुम्हारा केस जो है वो इस ग्राउंड पे वैलिड नहीं होने वाला। मुझे अगर ये पता है कि ऐसा डिसीजन आ रहा है, मेरे को एक दो हियरिंग से पता लग रहा है ये गलत होने वाला है मेरे साथ, ठीक है, तो मैं कौन सी डेट लगाऊंगा। मुझे अगर पहले पता लग रहा है और जजमेंट आया नहीं, या प्रोहिबिशन 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 ठीक है, दुर्घटना, अगर हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कुछ आ जाए फिर उस पर लड़ाई करो, फिर उसको रिवर्स करवाओ, वो बेटर है कि आने मत दो, आने मत दो, आने आने मत मत दो। दो। ठीक है। अब मैं था बेवकूफ, मुझे पता ही नहीं था प्रोविजन कुछ होता है, मैंने आने दिया केस, लेकिन उसके बाद मेरे को किसी ने बताया कि प्रोविजन तुम लगा सकते थे यार, मैंने कहा यार अब क्या करें, तो उसने बोला कि अब चलो अगर जजमेंट आ गया तो एक और तुम्हारे पास सोल्यूशन है कि तुम सर्श्योरी लगा लो, मतलब तुम उसको क्योर भी कर सकते हो गलत, दैट इज अगेन ये किस चीज को हाईलाइट कर दिया हमने, क्यूरेटिव नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिट। अगर जजमेंट आ गया है तो अब मैं क्या लगाऊंगा, सर्शरी सर्शियरी, ठीक है। थर्ड। चार रिट्स अपनी कंप्लीट हो गई, चारों सबको समझ में आ गई, डाउट हो तो थोड़ा यस लास्ट में रखना, समझ में आई क्या नहीं ये बताओ। हाँ भैया, यस आ गई। हाँ हाँ भैया, यस ठीक भैया। है। अब हम चलते हैं सबसे लास्ट रिट पे, काफी इंटरेस्टिंग है, दैट इज क्वो वारंटो। बाय व्हाट अथॉरिटी हम किसी से पूछ रहे हैं कि आप अगर इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हो, किस अथॉरिटी से कर रहे हो, क्या तुम कॉम्पिटेंट इनफ हो, तुमने कुछ एग्जाम निकाला जो तुम यहाँ बैठे हो, ठीक है। दिस इज ओनली यूज इन द केस ऑफ सबस्टैंडिंग पब्लिक ऑफिस। इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ एवरी वाइस चांसलर इन एवरी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैज अ सेट स्टैंडर्ड, ठीक है, कि उनको फॉर मिनिमम ऑफ 10 to 15 years दे नीड टू बी ऑन द पोजिशन ऑफ अ प्रोफेसर इन एनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या फिर एनी लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है, 10 साल उनको प्रोफेसर रहना पड़ता है, दे मस्ट हैव अ पीएचडी डिग्री, दे मस्ट हैव दिस मच एक्सपीरियंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर अगर ऐसी हैं तब जाके आप अपना नाम दे सकते हो और बींग अ वाइस चांसलर, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वीसी एन एल यू इंदौर, किसी एन एल यू को मैं बीफेम नहीं करना चाहता, मैं नया एन एल यू बना देता, ठीक है, एन एल यू इंदौर है कोई, उसमें कोई वाइस चांसलर अपॉइंट हुआ है, एंड हमने देखा कि वो वाइस चांसलर जो है उसने एज अ प्रोफेसर 10 साल नहीं बिताए थे, जो कि एक प्रॉपर वैलिड प्रोसेस है, तो कैन आई गो टू द कोर्ट एंड चैलेंज हिज अथॉरिटी। यस भैया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे अगर तुम एम्फेसिस दोगे तो इफ समवन इज नॉट क्वालिफाइड टू सिट एट एनी अथॉरिटी यू कैन यूज द रिट ऑफ क्वो वारंटो। बाय व्हाट वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी
इसका मतलब ये है, कुओ मतलब बाय व्हाट, वारंट मतलब अथॉरिटी, समझे। अब कोई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेता है, उसने क्लैट ही नहीं दिया, तो क्या मैं उसकी सीट को और उसके कैंडिडेचर को चैलेंज कर सकता हूँ? हाँ भैया, यस, धक्के मार के क्लैट से बाहर निकालवा सकता हूँ, क्योंकि उसने एक जो सेट स्टैंडर्ड है कि हम अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं तो हम इस कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के थ्रू लेंगे, भले ही वो एनआरआई से आए, एससी से आए, एसटी से आए, जनरल से आए, ईडब्ल्यूएस से आए, चाहे किसी से आए, वुमेन कैंडिडेट से आए, किसी से भी आए, लेकिन इसके बाहर से नहीं आना चाहिए। एग्जाम तो देना पड़ेगा, जितने भी तरीके के रिजर्वेशन है, हर बच्चा एग्जाम तो देता है ना, कोई ना कोई रैंक तो आती है ना उसकी, एक नंबर तो होगा तुम्हारे पास, भले ही वो बैंक अकाउंट जैसा दिख रहा हो तुम्हारी रैंक, लेकिन फिर भी तुम्हें एडमिशन मिल जाए, लेकिन तुम्हारे पास कुछ एक नंबर तो होगा जो तुम्हारे पर्टिकुलर कैंडिडेट को अटैच हो, वो बताओ हमको। अगर तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें ऐसे ही बैकडोर से एडमिशन मिला है कि इतने लाख का डोनेशन दे दो एडमिशन मिल जाएगा, आई कैन डेफिनेटली चैलेंज देयर वैलिडिटी, समझ गए, समझ गए। यस नाउ भैया, विल मूव ऑन टू द डिफरेंसेस बिटवीन के आर्टिकल 22 में 26 में क्या डिफरेंस, ठीक है। अब तुमको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये तीन डिफरेंसेस हैं मेजर, कि आर्टिकल 32 जो है, 32 जो है, 32 बेसिकली डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। अब एक काफी खूबसूरत चीज तुम देखोगे कि आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। हाँ 12 से 35 के बीच में आता अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है ना आर्टिकल 32, हाँ भैया। ये जो रेमेडी देता है ना वो भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। रिट जो है ना इनके, ये तुमको मना नहीं कर सकता कि मैं 5 रिट में से एक भी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ये जो थर्ड पॉइंट दिख रहा है तुमको, रेमेडी इन इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट्स एंड हेंस सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन। तुम अगर सुप्रीम कोर्ट के दर पे जाते हो, तुम्हारी वो मन्नत को कभी टाल नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है, दैट इज इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दैट फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल राइट, ओके। फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट जाना भी है, उसकी जो 5 रेमेडीज तुमको मिल रही है वो भी फंडामेंटल राइट, तो ना वो तुमको आने से रोक सकता है, ना वो तुमको उन 5 में से कोई एक इशू करने से रोक सकता है, क्योंकि दीज आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ दिस इज अगेंस्ट एनी पर्सन और एनी अथॉरिटी, मार्क दिस वर्ड, दैट इज थ्रू आउट द कंट्री, कहीं भी गली कूचे से आओ, किसी पे भी लगाओ, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन तो पूरा देश है। मैं सिलीगुड़ी से आके ये बोल दूं कि लक्षद्वीप में कुछ हुआ है जिसकी वजह से मेरा कुछ हैम्पर हो रहा है, तो क्या वो वैलिड है? डिफरेंस देख लो तुम, कहां कौन सी चीज है, सिलीगुड़ी किधर है बताओ, तुम्हें ज्योग्राफी पता है? ईस्ट में भैया, वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी का, सिलीगुड़ी को एक टर्म से रेफर किया जाता है, क्या बोलते हैं, चिकन हेड, चिकन स्नैक, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल को जो पार्ट दार्जिलिंग से कनेक्ट करता है उसके बीच में आता है सिलीगुड़ी, वो जो पतली सी तुमने नॉर्थ ईस्ट की वो देखी है, पतली सी बीच में है जिसको नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से कनेक्ट करती है, जो लैंड का एक पूरा टुकड़ा जी भैया। वो है सिलीगुड़ी। वहां से कोई अगर लक्षद्वीप में, अंडमान में, कन्याकुमारी में, गुलमर्ग में कुछ भी हो रहा है, तो द एंटायर सुप्रीम कोर्ट हैज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ होल ऑफ इंडिया, समझ गए। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने समझाई दिया था। नाउ व्हेन वी मूव टू आर्टिकल 226, ठीक है, इट इज नॉट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स बट यू कैन ऑल्सो टेक दीज रिट्स फॉर ऑर्डिनरी लीगल राइट्स एज वेल, ठीक है। लीगल राइट का एक एग्जांपल बताओ। राइट टू भैया वोट, वोट देना और प्रॉपर्टी, राइट राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू टू वोट, एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ये जो है लीगल राइट्स हैं सारी की सारी, ठीक। अब इसका जो ज्यूरिसडिक्शन होता है, क्योंकि ये हाई कोर्ट इश्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई, अब हाई कोर्ट इतने सारे हैं पूरे देश में, ठीक है, तो जो हाई कोर्ट है केवल उसका स्टेट ही उसका ज्यूरिसडिक्शन है, उसका स्टेट मतलब जैसे देर आर मेनी हाई कोर्ट जिसके एक दो स्टेट हैं, तो जो भी उसके स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन वही होगा, उसी की बॉर्डर में वो करेगा। जैसे मैंने गुजरात और एमपी वाला एग्जाम्पल लिया था, गुजरात में कुछ है तो एमपी में जा रहा हूँ मैं, वो मना कर दे, नहीं हो नहीं सकता, गुजरात जाओ वहां के हाई कोर्ट में देखो,
ठीक है, तो इसका ज्यूरिसडिक्शन केवल उसका स्टेट एरिया है. थर्ड पॉइंट, द रेमेडी इज डिस्क्रिशनरी इन नेचर एंड कैन बी रिफ्यूज बाय द हाई कोर्ट. व्हाई 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 व्हाई, कॉमन सेंस लगाओ. फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है मोस्टली. 226 फंडामेंटल दिख रही है तुमको? नहीं, 32 है फंडामेंटल. हमने ये तो बोला ही नहीं कि हाई कोर्ट जाना फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल नहीं है. हाई कोर्ट तुमको मना कर सकता है. हाई कोर्ट की रेमेडी कोई फंडामेंटल राइट है? नहीं, वो भी मना कर सकता है. फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे तो वो फंडामेंटल राइट है. डिफरेंस समझ में आ गए? आगे बढ़े. हाई कोर्ट फंडामेंटल और लीगल राइट्स दोनों पर दे सकता है ना, ऑल्सो और फंडामेंटल सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल पे देगा. सुप्रीम कोर्ट के पास तुम ये नहीं लेके जाओगे कि मुझे वोट नहीं देने दिया, मुझे ये नहीं करने दिया, मुझे प्रॉपर. वो कहेगा हमारे पास वैसे कम केस है कि तुम और आगे लेके. ठीक है, वैसे दिमाग में 10 टेंशन भरी तुम ये ले आ. ठीक है, तो बेसिकली फंडामेंटल राइट ही उसमें होती है भैया. अगर डिस्क्रिशनरी है तब तो वो जब मन चाहे मना ही कर देगा, फिर क्यों इतना दिमाग लगाएंगे वो लोग. नहीं करता, मना कर देगा तो तुम वापस ऊपर नहीं जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास. अच्छा भैया, वो परजुअल कह रहा है उसको एंट्री दे दीजिए. मांगे तब तो दू, रिक्वेस्ट करें वापस. ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट फोर पे. पार्ट फोर बेसिकली टॉक्स अबाउट डीपीएसपी. डीपीएसपी का फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. पार्ट फोर मतलब अगर इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगा, मतलब ये नॉर्मल पहले से ही था. अब हमने किससे लिया ये? हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. हमने ये पार्ट लिया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. उन्होंने किससे लिया? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये आपस में पासिंग द पास चल रहा है. डीपीएसपी फॉलो किसी को नहीं करना, पासिंग द पास खेल रहा है. ठीक है, स्पेन का अच्छा लगा तो आयरलैंड ने, आयरलैंड ने ले लिया. आयरलैंड का अच्छा लगा तो हमने ले लिया. फिर एक सोर्स तो ये था, दूसरा सोर्स क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. ये दो सोर्सेस थे जिससे मिलकर डीपीएसपी बनी. दीज आर बेसिकली द डायरेक्टिव्स फॉर द स्टेट. डायरेक्टिव्स मतलब, अब इसमें नीचे पढ़ते हैं इसका बेसिक मीनिंग क्या है. इट डिनोट्स द आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग एंड इनएक्टिंग लॉज. मैं स्टेट को बता रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ बेसिकली इस कॉन्स्टिट्यूशन की. डीपीएसपी के थ्रू तुम कोई भी लॉ बनाओगे, खुद भी फॉर्मुलेट करोगे, इन चीजों का ध्यान रख के बनाना प्लीज. ठीक है, नहीं भी बनाते हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉन जस्टिसेबल इन नेचर. दीज आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. मैंने तो बस बोल दिया, मैंने ज्ञान दे दिया कि यार देखो कोई लॉ बना रहे हो तो थोड़ा इसका ध्यान रख लेना, बाकी जैसा सही लगे. ये ठीक है डीपीएसपी का मेन सेंस. अब अगर ऐसा नहीं बनता, कुछ इस अकॉर्डेंस में नहीं बनता, कैन यू ड्रैग दिस डीपीएसपी इन द कोर्ट ऑफ लॉ? नहीं नहीं भैया, नहीं भैया. नाउ डोंट यू थिंक दिस पार्ट इज यूजलेस? बिल्कुल है यूजलेस. नहीं भैया. हाँ, यूजलेस क्यों नहीं वो बताओ. भैया यूजलेस इसलिए नहीं है क्योंकि मतलब फ्यूचर में लॉ फॉर्मेशन के लिए एक उसकी तरह रेफरेंस की तरह हो सकता है. वो इतने पहुंचे हुए आदमी कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्टेट को 10-10, 20-20 साल से 25 साल से चला के आ रहे हैं प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनको ये नहीं पता होगा कैसे बनते हैं. क्या सोचना है हमको लॉ बनाने से पहले? बट भैया एक वो होता है, एक रेफरेंस होना चाहिए ना कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, तो एक गाइडेंस मिल जाती है जैसे. हाँ, यही कुछ सोचा था मिस्टर बी आर अम्बेडकर ने, तो यही बात. ठीक है, नाउ दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. जो आइडियोलॉजीज हैं वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की. ठीक है, मैं रीड आउट नहीं करूंगा, तुम लोग जाके एक बार रीड कर लेना क्या क्या दी हुई है, क्योंकि वो तुम्हारे क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं पड़ती, कोई तुमसे पूछेगा भी नहीं. ठीक है, बस तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन सी डीपीएसपी होती है. ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइडेड है. पहला है सोशलिस्ट, दूसरा है गांधीयन फिलोसफी, और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल, बेसिकली प्रोग्रेसिव इन नेचर. इसका एक एग्जाम्पल हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है, तो ये कहाँ दिया हुआ? डीपीएसपी में दिया है. यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोग्रेसिव इन नेचर है,
हम पुराने जमानों की बातों पे ना विश्वास करते हुए हम आगे एक प्रोग्रेसिव इंडिया की तरफ जाना चाह रहे हैं, जिसमें अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इट इज अ स्टेप अहेड ऑफ मर्जिंग ऑल द एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया लिबरल इंटेलेक्चुअल का। ठीक है, यस भैया, ठीक। तो अब हम चलते हैं कि आपको कौन से आर्टिकल्स इस पर्टिकुलर डीपीएसटी से इंपॉर्टेंट है और याद रखने चाहिए। पहला आर्टिकल है कि आर्टिकल 39, जिसमें थोड़े से कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो कि स्टेट को फॉलो करने चाहिए। ठीक है, 39 इतना याद रखना है, प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय द स्टेट। आर्टिकल 44 में दिया हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क इन ऑल द पास्ट ईयर्स ऑफ एलेट, क्लैट, MHCT, SLAT, आर्टिकल 44 या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का दिया। ठीक है, तुमने क्लैट के क्वेश्चन कभी ना कभी प्रैक्टिस करे होंगे, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ो ग्रॉपर जो भी पढ़ा है कहीं ना कहीं, आर्टिकल 44 में क्या दिया है या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ दिया है। ठीक हाँ भैया। है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ दिया है तुमको पता होना चाहिए। एक लौती जगह जहाँ पर पूरे के पूरे एंटायर लीगल सिस्टम में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई है, वो है आर्टिकल 44। ठीक, नाउ आर्टिकल 48 में क्या दिया है कि काउ स्लॉटर नहीं होना चाहिए। अगर ये एक किसी जस्टिसिएबल होता तो हमारे देश में बीफ नहीं मिल रही होती। ठीक है, बट ये क्योंकि डीपीएसपी है तो बस ऐसे ही बोल दिया, हमने बोल दिया, हमने मान लिया। ठीक है, तो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब है जुडिशरी जो है उसको एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखना चाहिए, एंड उस पे तुम कोई भी तरीके का लॉ नहीं बनाओगे कि तुम उसको रेगुलेट कर पाओ। ठीक है, अब कुछ हद तक देश में जुडिशरी सेपरेट है, कुछ हद तक नहीं भी है। तुमने रिसेंट एग्जाम्पल्स देखे होंगे, जैसे जस्टिस बोबड़े जो थे, इसके पहले वाले सीजेआई और उनके पहले वाले जो भी थे, क्या इन रंजन सबको, गोगोई, रंजन गोगोई, क्या इन सबको रिटायरमेंट के दीपक बाद, मिश्रा, क्या, हाँ दीपक मिश्रा, क्या इन सबको भी रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं कोई ऑफिस दे दिया जाता है जिससे इनकी कमाई बनी रहे। सांसद राज्यसभा सांसद बनाए गए तो हैं, भी बना दिया कहीं ना कहीं तो। राज्यसभा सांसद बने, ठीक है, इलेक्टेड तुमको वाले। लग रहा है अब के जब ये डिसीजन, जब ये पावर में थे तब इनसे एग्जीक्यूटिव की बात हुई होगी कि ये कर देना तो तुम्हारे रिटायरमेंट का हमने प्लान बना दिया। क्या ये सेपरेट हुआ जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव? राम मंदिर वाला डिसीजन था ही, तो यही तो डीलिंग थी गोगोई साथ। साफ साफ दिख रहा है तुमको तो क्या? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है भैया, लेकिन वो तो बराबर क्या मेरे से उसने कहा ना कि राम मंदिर वाला डिसीजन उसलिए था, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती नहीं, है। राम मंदिर की तो नहीं बोल रहा, लेकिन मैं इसमें तो साफ साफ तुमको ये प्राइम ऑफ ऐसे दिख रही चीज बहुत सारी। ये हाँ एक की बात भैया, थोड़ी कर रहा हूँ मैं, गोगोई की बात थोड़ी कर रहा हूँ, तो ये सबका क्या ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे होता है, वो ब्यूरोक्रेसी में जो मतलब जो IAS वगैरह होते हैं उनको बाद में कहीं और मतलब होते हैं। सभी होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे आर्टिकल 50 की बात कर रहे हैं, विच इज हाँ जी, जुडिशियल, ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं है, हम जुडिशरी बात कर रहे हैं। जुडिशरी तो इन सब चीजों से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ना, वो तो लॉ लगा के सारे रीजनेबल फैक्चुअल चीजें लगा के होना चाहिए, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का इफेक्ट आ रहा है। ठीक, नाउ वी हैव एन इंपॉर्टेंट केस विच इज चंपकम दोरई राजन। इस केस में क्या बोला कि कभी भी अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का क्लैश होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है इनके बीच में, तो कौन बड़ा है सबसे ज्यादा? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट शैल प्रिवेल, भारत में डीपीएस। सरकार सीरियसली नहीं लेती तो हम क्या लेंगे? ठीक है, डीपीएसपी हमेशा किससे छोटा रहेगा? फंडामेंटल राइट्स। ओके, बात समझ आई? हाँ भैया जी भैया, इसी चीज यस। को वापस से अफर्म कर दिया, मतलब एक केस में तो बोला ही बोला, दूसरे लैंडमार्क जजमेंट ने भी सेम चीज बोली। मिनरल मिल्स, सुना है इसका केस का नाम? हाँ हाँ भैया, भैया, हाँ भैया, में इसको कंफर्म किया। ये याद रखना है, चंपकम दोरई राजन में पहली बार ये बात उठी थी और बोली गई थी, इसलिए इसको याद रखना। ठीक, डन, सबको ठीक भैया, समझ आ गया? ठीक हाँ भैया, है, हाँ भैया, अब हम चलते हैं पार्ट 4A, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ए से क्या मतलब? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट, 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 अमेंड। दिस पर्टिकुलर पार्ट हैज बीन एडेड वाया एन अमेंडमेंट। दिस इज बेसिकली एक ही आर्टिकल दिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। किसके लिए है ड्यूटीज? किसके लिए बोली है? ड्यूटी सिटीजन किसकी है? सिटीजन सिटीजन की है। सिटीजन
कि तुम्हें क्या करनी चाहिए देश में अच्छे नागरिक बनने के लिए, और ये सब फालतू का गेम ज्ञान पार्ट नंबर टू। ये डीपीएसपी किसके लिए थी? स्टेट स्टेट के लिए थी भैया। हाँ भैया, स्टेट ने बाद में सोचा कि हम ही क्यों ज्ञान ले भाई, तुम्हें भी देंगे, तो पार्ट फोर डाल दिया। ठीक है, तो 26 साल इन्होंने खुद ज्ञान लिया, 26वें साल सोचा कि क्यों यार हम अकेले क्यों ज्ञान लेंगे, तुम भी लो। देयरफॉर फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय आर्टिकल 51A। नाउ अगेन व्हाट इज 51A? ए मींस अमेंडमेंट। ठीक है, अब ये किससे ली गई है? ये ली गई है यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूएसएसआर उस टाइम पे जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें से उठाई गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज। अगेन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एटलीस्ट फॉर वन मार्क। ठीक, 1976 में एक कमिटी बनाई गई जिसका नाम था सरदार स्वरण सिंह कमिटी। इसने रिकमेंडेशन दी कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। फिर इंदिरा गांधी जी ने बोला कि चलो 42nd अमेंडमेंट में इसको भी डाल दो, फंडामेंटल ड्यूटी भी डाल दी, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, ऐसे थोड़ी मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट भैया। ठीक है, इसमें केवल एक आर्टिकल डाला और 10 फंडामेंटल राइट्स डाले उस टाइम पे। फिर क्या हुआ कि फिर 2002 में 86th अमेंडमेंट आया, तो उसमें 11th ड्यूटी भी ऐड कर दी, जो कि हमने अभी पढ़ ली थी पहले एक दो क्लासेस में, कि 6 से 14 इयर्स के बच्चों को आप एक अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन देंगे, उनके सारे पेरेंट्स एंड गार्जियन, ये आपको आपकी ड्यूटी है, आपकी सिटीजन की अदर ड्यूटी डाल दी इसको, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, दिस वॉज द 11th ड्यूटी which was added in 2002 via the 86th amendment. And now, how many fundamental duties does India have? 11. 10 पहले थी, एक और आ गई 2002, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं आया। This basically sums up your fundamental duties also. इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें fundamental duties पढ़ के सुना दूँ एक बार, क्या क्या है। Bear at me. सुनिए। Yes, भैया। नहीं भैया। नहीं भैया, नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट है क्या? सुन लो, अरे उन्होंने बोला ज्ञान देना, हम भी देंगे। तुम्हारे ज्ञान के लिए विचार मेहनत करके डाली उसने इंदिरा गांधी ने। कॉन्स्टिट्यूशन डे है, सुना दीजिए आज। आज तुम्हें फंडामेंटल, तुम्हारी ड्यूटी सुननी पड़ेगी। तुम सुनो, फंडामेंटल ड्यूटी में बेयर प्रोविजंस पढ़ा हूँ भैया। मेरा डाउट ये है कि मतलब जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज में है वो सब तो पहले से ही क्राइम होगा ना, मतलब जैसे नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करना और बाकी सब कुछ। सुनते हैं, सुनते हैं, पहले ड्यूटी सुनते हैं, फिर सुनते हैं। ठीक है, तो बोलो इरशाद। इरशाद, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का बेयर प्रोविजन ये बोलता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या क्या ड्यूटीज है? बहुत सारी। To abide by the constitution and respect the ideals of the institutions, national flag and the national anthem. In sabka samman kar lena please. ठीक, दूसरी चीज, to cherish and follow the noble ideals which were inspired for the national struggle of the country and freedom. In sabko bhi thoda dhyan rakh lena. फिर तीसरी चीज, to uphold and protect the sovereignty of and the unity of and integrity of the country. थोड़ा ये भी देख लेना, ध्यान में रख लेना। फोर्थ पॉइंट, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब जब कभी आर्मी छोटी पड़ जाए हमारी तो आ जाना साथ में। ठीक है, नाउ टू प्रोटेक्ट द हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड अमंग द पीपल ऑफ ट्रांसेंडिंग इंडिया, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटीज। ज्ञान लग रहा है प्योर 100% जबरदस्ती। वही ना, वो बड़े बूढ़े बोलते हैं हमें भाईचारे से रहना चाहिए, ये होना चाहिए, सबको पता। हाँ हाँ, तो बेसिकली आर रिप्लाई टू फंडामेंटल ड्यूटीज इज हम आलोम अपने बात पहुंच गया। चलो ठीक है, ये लग रहा है तुमको पढ़ के फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो और आगे सुनो, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर। मतलब जो भी हेरिटेज हो उस पर दिल बना के नहीं आओ, मतलब वही सब। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ। शिकार मत करो जंगल में जाके, फुटपाथ पे लोगों को मत उड़ाओ, वो ये सब। मतलब टू डेवलप द साइंटिफिक टेंपर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मतलब पबजी मत खेलते बैठो, थोड़ा सोच समझ के देश को आगे बढ़ाओ, ये है। उसके बाद सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्व वायलेंस, कहीं वायलेंस होती दिखे तो उसको रोको।
पब्लिक प्रॉपर्टी कहीं तुमको हैम्पर होती हुई दिख रही है तो उसको सेफ गार्ड करो, ठीक है, हम ही करेंगे, हमें वहां पे जाली लगाए जाके फिर लोग बचाए, ठीक है। तो स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ द इंडिविजुअल कलेक्टिवली एक्टिविटी नेशन कंस्ट्रक्ट हु इज अ पेरेंट एंड गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू फॉर एजुकेशन एजुकेशन फॉर इज चाइल्ड, ये लास्ट में के डाला गया था अगेन, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी डाल दी गई थी 11th वाली, के डाल दी गई है, ये बेसिकली क्लॉज ए से लेके के तक है, ठीक है, तो ए से जे तक पहले थी 1 to 10 एंड के डाल दिया गया था बाद में 2002 में, हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ इज चाइल्ड और एज द केस में बी बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ये है फंडामेंटल ड्यूटीज। जबरदस्ती का ज्ञान लगा तुमको? हाँ भैया नींद आने लगी। ठीक है, तो वी सम ऑफ द क्लास टुडे, अब मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ।